अगरतला में चल रही रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में रेलवे क्रिकेट टीम ने त्रिपुरा को हराकर रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे सफल लक्ष्य हासिल किया है। 169 रनों का लक्ष्य भेदी पारी के लिए प्रथम सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। रेलवे क्रिकेट टीम ने सोमवार को एमबीबी स्टेडियम अगरतला में अपने अंतिम लीग मैच में त्रिपुरा के खिलाफ मौजूदा 2023-24 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे सफल लक्ष्य हासिल किया। रेलवे ने पहली पारी में विपक्षी टीम के 149 रनों का पीछा करते हुए 105 रनों पर ढेर होने के बाद त्रिपुरा को 44 रनों की बढ़त दे दी थी। घरेलू टीम ने दूसरी पारी में 333 रन बनाकर रेलवे के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा। तीसरे दिन के दूसरे भाग में शुरू हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए रेलवे एक बार फिर चरमरा गई और उसका शीर्ष क्रम 3 विकेट पर 31 रन पर लड़खड़ा गया। हालांकि सलामी बल्लेबाज प्रथम सिंह और मोहम्मद सैफ ने चौथे विकेट के लिए 175 रन की साझेदारी की, जिससे रेलवे को लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिली। प्रथम कप्तान उपेंद्र यादव के साथ 169 रन बनाकर नाबाद रहे और रेलवे ने 103 ओवर में कठिन लक्ष्य पार कर लिया। रेलवे ने सौराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने अपने विजयी 2019-20 अभियान में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 372 रन के लक्ष्य का पीछा किया था। 2008-09 सीजन में सर्विसेज के खिलाफ असम का 370 रन का लक्ष्य सूची में तीसरे स्थान पर है। इस मैच में पहली पारी में प्रथम सिंह ने 20 रन और दूसरी पारी में 16 चौके और एक छक्के की मदद से प्रथम सिंह के नाबाद 169 रन बनाए। प्रथम सिंह की शानदार पारी की बदौलत ही रेलवे ये मैच जीत पाया। 169 रनों की लक्ष्य भेदी पारी के लिए प्रथम सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।